कोरोना काल से लेकर अब तक अपनी सेवाएं दे रहे महावीर कोविड सेंटर 1,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का सफल प्रयास कर चुका है। समिति के लोगों ने पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी दी। एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा था, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व वैक्सीनेशन को लेकर काफी परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा था। इसे देखते हुए सकल जैन समाज के द्वारा इस विपरीत परिस्थितियों में आगे आकर श्री महावीर कोविड सेंटर का शुभारंभ किया गया था। साथ ही तन मन धन के साथ लोगों के दर्द को महसूस कर उनकी सेवाएं की, साथ ही करीब 10 माह के अंतराल में लगभग 1,00,000 लोगों को इस सेंटर से कोविड-19 के वैक्सीनेशन लगवाए गए। गौरतलब है कि श्री महावीर कोविड सेंटर से जुड़े समिति के लोगों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने की सेवाएं उन्होंने दी है, जिसको लेकर समिति के लोग काफी उत्साहित नजर आए। शासन से अपील भी की गई कि कोई जगह अगर शासन प्रशासन हमें देता है तो आगामी दिनों में भी हम इस तरह की निःशुल्क सेवाएं देने तैयार हैं। इसे लेकर समिति के दिनेश मारुति ने बताया कि हम समिति के द्वारा अब जिला अस्पताल के किसी एक वार्ड को गोद लेने का निर्णय ले रहे हैं, जिससे हम लोग वहाँ पहुँचे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ दे सके। उपलब्धियों का तब कोई आंकलन नहीं है। महावीर कोविड केयर सेंटर जो कि नाम चर्चित हो चुका है छत्तीसगढ़ में और लोगों के जुबान पे नाम है कि इतनी अच्छी सुविधाएं, दो बार कोविड सेंटर चलाया हमने, करीब करीब 800 लोगों को स्वस्थ कर हमने घर भेजा सकुशल। उसके बाद से आज तक वहां वैक्सीन लग रही है, जो कि 1 मार्च को 1,00,000 वैक्सीन कम्प्लीट करने का हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ, जो कि शासन के आभारी हैं हम, जिन्होंने इतनी सुविधा दी उसके हम आभारी हैं। आज तक किसी भी तरीके की वहाँ कोई तकलीफ नहीं आई, लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का हमने प्रयास किया। लगभग अच्छे दौर में हमने प्रतिदिन 1,000 वैक्सीन लगाया लोगों को, जो कि रिकॉर्ड रहा है। 1,000 वैक्सीन कहीं भी नहीं लगा, किसी भी सेंटर में नहीं लगा 1,000 वैक्सीन, जो रिकॉर्ड रहा है। इनको लेकर के आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं आई, हमने जितना वैक्सीन मंगा शासन से उतना हमें प्राप्त हुआ, कम पड़ते गया, हम मांगते गए, हमें मिलता गया। शासन की ओर से कहीं हमें कोई तकलीफ नहीं आई। कोविड के जो वैक्सीनेशन प्रभारी थे डॉक्टर बंजारी साहब, संजीव दुबे साहब, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा सहयोग किया हमारा। हमारा प्रयास है संस्था के बैनर चले, कोई ना कोई और ऐसे ही सामाजिक उसमें जुड़ा जाए, जिसमें कि हम जिला अस्पताल के किसी वार्ड को, किसी एक विंग को लेने के विचार कर रहे हैं, जिसके की चर्चा चालू है और हो सकता है 10 दिन में उसकी सार्थक पहल हो जाए। ठीक, ब्रांड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।